एवरीवन, तो अभी सुबह के बज चुके हैं 11:30 और बारिश आज रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी हो रही है। आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा, शायद फ्रंट कैमरे से नहीं दिख रहा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और मेरे घर के पीछे एक नाला जाता है ना, वो भी पूरा ऊपर तक आ चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और घर के अंदर चलते हैं भैया और दिखाते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। पहले आपको बैक व्यू दिखाती हूँ कि कैसी बारिश हो रही है, आप लोगों के यहाँ पे कैसी हो रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वाला ब्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा, बट हाँ, आज जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ उस दिन बहुत तेज़ बारिश है। तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, शायद कैमरे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा हो रही है। और नीचे आगे तक मैं नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है, यहाँ यहाँ तक पानी आ गया है। और इधर यहाँ पर खाना खा रहे हैं मैडम, राजमा पराठा और सॉस के साथ में। तो देखिए मस्त, बाहर बारिश हो रही है और अंदर खाने का एंजॉय हो रहा है, और मेरे लिए खाना बनाया ही नहीं है तो मैं कैसे खाऊं। इसलिए लड़की अकेली ही खाना खा रही है। और ये बहुत दिनों बाद आई है, मोना मेरे ब्लॉग में सबको हाय तो कर दे। देख सकते हो, मरीज को देख सकते हो। तो चलिए आपको नाले के दर्शन कराते हैं, मोना के दर्शन तो हमने करा दिए और अभी मुझे पोछा लगाना है। देखिए मैंने पोछा यहाँ रख रखा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है क्योंकि यहाँ से पानी टपक रहा है। ये देख सकते हो हमारे मकान मालिक ने ऐसा घर बनाया कि भैया यहाँ से पानी टपकता है तो काफ़ी परेशानी होती है, बार 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 बाल्टियाँ खाली करनी पड़ती है, तभी मुझे पोछा लगाना है। तो मैं सब कुछ क्लीन करूँगी, अब दर्शन कराती हूँ मैं आपको पीछे के नाले के। बारिश बहुत तेज हो रही है तो घर के अंदर पानी घुस जाएगा। ये देख सकते हो नाला कितना ऊपर आ चुका है, मैं ज़्यादा बाहर नहीं ले जा सकती, इतना ही ले जाऊंगी। ओ मेरे फ़ोन पे पानी गिर गया। आपने देखा नाला कितना ऊपर तक आ गया। अब मुझे ये डर लग रहा है कि नीचे वाले जो दीदी रहते हैं ना, उनकी विंडो तक ना आ जाए, नहीं तो पूरे घर में पानी घुस जाएगा। अगर ऐसे लगातार बारिश होती रही तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे भी बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पर भी दीवारों में देखिए पानी पानी हो गया। ये जो घर है ना, ये बहुत गंदा घर है, दिखने में बहुत अच्छा था लेकिन बारिश में ऐसा कुछ होगा हमें नहीं पता था। अब चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। अभी हाल फिलहाल में मुझे नहाना है, रेडी होना है, पोछा लगाना है, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। आज मैं लेट भी हो गई हूँ इस बारिश की वजह से क्योंकि बहुत पानी हो गया था, इसलिए मुझे सब साफ़ करना था। तो चलो फटाफट से मैं अपना काम करके नहा धोकर फिर रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ ये लड़की का ब्लड सैंपल लेना, और ये लड़की बहुत ज़्यादा डर रही है, तो आप देख सकते हो सुई को, तो फटाफट से इसका सैंपल ले लेते हैं। हाथ लंबा करो, अंगूठा अंदर, मुट्ठी टाइट कर ऐसे सीधा, और यहाँ से तेरे हाथ से टाइट पकड़ ले। कहीं लगा रहा है कुछ नहीं हो, मैं दो मिनट में ले लूंगी, देर हो जाएगी। टाइट पकड़, मुट्ठी टाइट बंद कर, ऊपर से टाइट पकड़ हाथ, ऐसे खींचना नहीं, ऐसे टाइट पकड़, ऐसे ऐसे तो मेरे को मिलेगी। तू देख बोल, मैं बोल रही हूं 2 मिनट लगा। अरे 2 मिनट यार छोड़, मुट्ठी टाइट बंद कर। यहाँ पे सुई है ऑलरेडी लगी हुई, रेन तो नहीं हो रही हो तो मैं तो रेन दो हांडी निकले गया, ये तो सुई लगा रखी यहाँ पे। हाँ तो उससे क्या होगा, बस इससे ले लेंगे, थोड़ा सा पकड़ पकड़, सुन दी रेन से बहुत बहुत ले। अरे जल्दी करना यार, देर हो रही है, पकड़ ना टाइट, नहीं निकले। अरे टाइट मुट्ठी बंद कर, अरे पागल है क्या यार, मुट्ठी टाइट बंद कर, ऊपर से पकड़, गीला भी नहीं गया। बस 2 मिनट का काम है, हो गया। अरे बहन दिख रही ना, टाइट पकड़, तू 2 मिनट तो रुको, वो आ जाएंगे ना यार, मेरे को जाना है। इस हाथ से ले लो ला, अंगूठा अंदर का, मुट्ठी टाइट बंद कर, हाँ टाइट बिल्कुल पकड़ना ना टाइट, दुखोगे 2 मिनट। अरे यार मनु मरा, देर हो रही यार, उधर तो देखने दो मुझे, देख नहीं होना मैं छोड़ दूंगी। अरे यार हाँ यार, टाइट रखना हाथ को और हिलना मत, रेन दो आप तो। अरे भैया बहन है बहुत अच्छी बहन है, नाटक करते बहुत अच्छी बहन है, कुछ हो जाएगा पता चल जाएगा, इन्फेक्शन हो रहा है ना, ले पकड़ यार, पकड़ना ना, मैं लेके मैं जा रही हूँ, हाँ दबाना टाइट। वो डॉक्टर आया था, कैसे किया था ये नाटक, सोनी बहुत जोर से दुख रहा है, आ गया आओ, बिंदु बिंदु देखना ना, बंदी हो गया, हाँ हो गया, हाँ बस हो गया, हो गया, हाथ छोड़, नहीं हो गया, हाँ दबा, मुट्ठी बंद करके दबा ले, पागल है क्या तू।
रोज कितने नाटक कर रहे इस लड़की ने, और मेरा ट्राइपॉड भी नहीं था तो मैंने ऐसे ही लगाया था। आप देख सकते हो इतना सा ब्लड लिया पर इसकी जान निकल गई, और इसने कितने नाटक किए। नालायक लड़की। आपके घर में भी कोई ऐसा है क्या जिसको इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो इतने नाटक करता है जब सैंपल देने की बारी आती है, और इस लड़की को देख सकते इतना ज्यादा दर्द हुआ क्या? बोला ना दिखा दिया मेरे से, मतलब हाथ ही नहीं दे रही, और मुझे ऐसा लगा मैं जैसे इंजेक्शन लगाऊंगी ना तो हाथ पीछे खींच लेगी, तो ड्रामा हो जाता अभी बहुत ज्यादा। चला दूर, इतने नाटक तो यार बच्चे भी नहीं करते जितने लड़की करती है। तो चलो फटाफट से आ जाए भैया, तो मैं जाऊँ यार, मुझे जाना है, पानी जल्दी हो रही है। पहले मैं ना दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ पूरा, उसके बाद जाऊँगी तो मैं गीली नहीं होंगी ना। तो हमारे घर के सामने तालाब बन चुका है, पानी पानी सब जगह। हाँ नाली है। हम आए थे इस नालायक बच्चे को लेने के लिए इसकी मम्मा के स्कूल, और इसकी मम्मा को तो देखो गब्बू ये हमारी दीदी का स्कूल है, और पानी से ये हाल हो चुका है पूरा भर गया, और मौसम कितना बढ़िया हो रहा है देख सकते हो, मौसम के नजारे देखकर तो यार घूमने फिरने का मन कर रहा है लेकिन नहीं जा सकते। और ये लड़का आ आ कर रहा है, ले खा खा। अरे पूरा चना मत, पूरा मत ले, बैठ जल्दी, चलो ले बैठ जल्दी। अगर किसी से कोई बात मनवानी हो ना तो इससे अच्छा टैलेंट कोई नहीं है। इस लड़की को देख सकते हो, इसे अपनी कोई बात मनवानी होती है ना तो ये ऐसे नाटक करता है, पूरा ज़मीन पर लेट जाता है और ऐसी हरकतें करता है कि यार उसको देखकर अपना भी मन हो जाता है कि यार चलो ठीक है इस लड़की की बात मान लेते। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है तो यहाँ पर हमारी लैब में बिठाए हैं गणेश जी, तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी हो रही थी। तो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद शाम हो जाती है तो हम लोग चले जाते हैं गणेश जी लेने के लिए, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, और बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी और इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां थी ना, ऐसा मन कर रहा था कि सारी ले लें लेकिन नहीं ले सकते। उसके बाद हम लोग चले गए थे डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि मुझे अपना हैंड दिखाना था, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने शायद आपको वीडियो में बताया था इसके पहले वाली या नहीं, पता नहीं यार याद नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ ना तो मुझे हंसी आ जाती है यार, कभी कभी कुछ चीज़ें शूट करते करते तो बस वही हुआ। उसके बाद मैं दीदी के यहाँ पे जाती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कुकी को, इसका नाम कुकी, और ये इतनी ज़्यादा परेशान करती है, और इधर हमारी छोटी वाली डॉल अपने बाल बना रही है, और वेदर आप देख सकते हो कितना प्यारा है। फिर शाम को मैं घर आ जाती हूँ, चाय बनाती हूँ मस्त, और नहीं शाम का नहीं यार ये मॉर्निंग का है, पता ही नहीं चलता यार कब क्या होता है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, तो चाय के साथ साथ में काम भी करना पड़ता है क्योंकि खाना बनाने की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो मेरा प्याज देख सकते हो कैसा उधर साइड में पड़ा हुआ है, बिल्कुल एक लाश की तरह। और ये जो मैं गई थी ना दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिंस लिखी है, तो इन्हें देख देख कर ही मुझे तो यार मेरा जी घबराने लग जाता है, पर ये सारी मुझे ही खानी है, और पता नहीं यार कब मेरा हाथ ठीक होगा। बस आप भगवान जी से प्रे करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। और इसके बाद में फिर नल आ गए थे तो मुझे जाना था नीचे बॉल चालू करने के लिए, तो बस मैं वहीं चली जाती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि टैंक में पानी तो है नहीं, मतलब है पूरा नहीं भरा है, तो बस नीचे का वॉल भी चालू कर देती हूँ ताकि पूरा टैंक भर जाता है। और देख सकते हो किसी को डुबकी लगानी है तो आ सकते हो। तो चलो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय।